जांजगीर चांपा जिले में जिस दिन से संपूर्ण लॉकडाउन प्रारंभ हुआ उस दिन से महज 3 दिनों तक अधिकारी एवं कर्मचारी सजग नजर आए व जगह जगह चौक चौराहों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की गई और वर्तमान में भी चौक चौराहों पर बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने कुछ नियम व शर्तों पर दुकानदारों को दुकान खोलने के निर्देश दिए, परंतु दुकानदार जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों को तार तार करने में लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जवाबदार अधिकारी चौक चौराहों पर कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर भूल चुके हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना है। अब दुकानदारों की मनमानी कहीं अधिकारी का शय ये समझ से परे है। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार 7 से 1 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति कुछ शर्त एवं नियम के तहत दी गई है और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है, लेकिन दुकानदार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी कर्मचारी 1 बजे से पहले किसी भी दुकानदार के ऊपर नजर तक नहीं फेरते, ना ही सोशल डिस्टेंस के पालन करने पर कार्रवाई करते, जिसके कारण व्यापारियों का हौसले बुलंद होते चले गए और अपनी दुकानों में ग्राहकों का तांता लगा लेते हैं। ड्यूटी तैनात कुछ अधिकारी कर्मचारी तो अपने मोबाइल के पबजी गेम में ही व्यस्त रहते हैं और सोशल डिस्टेंस के निर्देशों को पलीता लगाते नजर आते हैं। दीपक कुमार यादव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। सबका कर्तव्य है कि बहुत बड़ी बीमारी है और लगातार भारत देश में बढ़ते जा रहा है और छत्तीसगढ़ की भी स्थिति 0 थी और उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि आज छत्तीसगढ़ भी विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करूंगा और ये निवेदन भी करूंगा कि हम सब नागरिक और व्यापारी और जितने भी आम लोग हैं वो सब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के अपना काम करें और इसकी आदत डाल लें, क्योंकि जैसा मंत्री लोग का और जैसा अधिकारी लोग का वक्तव्य आ रहा है उस हिसाब से 2020 ये पूरा हमारा नुकसान करेगा।